हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके और आज हम देखने वाले हैं कैसे हम किसी भी पीडीएफ फाइल को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बुक मैंने ओपन कर रखी है और ये देखिए इंग्लिश में है, ठीक है। पास से मैं ला के दिखाता हूं आपको, वही चैप्टर यहां पर ओपन करता हूं और देखिए ये इंग्लिश में पीडीएफ बुक है, ठीक है। और इसको मुझे ट्रांसलेट करना हो अगर हिंदी में तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और मैंने ट्रांसलेट कर भी रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही बुक मैंने ट्रांसलेट करके रखी है, मैं छोटा करके और फर्स्ट पेज पे इसको ले जाता हूँ। देखिए ये वही बुक है और इसको मैं पास करके आपको दिखाऊं तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है, ठीक है। मैंने अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो कैसे हम किसी भी बुक को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पीडीएफ फाइल को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट थी कि 300 से ज़्यादा पेज नहीं होना चाहिए आपकी पीडीएफ में, तभी वो ट्रांसलेट होती थी। इसलिए यहाँ पर देखिए ये बुक है, ये 600 से ज़्यादा यानी 600 से ज़्यादा पेज हैं। और इसके अलावा अगर आप इस पीडीएफ का फाइल का साइज देखोगे तो यहाँ पर पीडीएफ का फाइल का जो साइज है वो 25 MB के करीब है, और पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें लिमिट थी कि 10 MB से ज़्यादा की आप फाइल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आज एक नया वीडियो आप बना रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कैसे हम 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके उसमें पेज 300 से ज़्यादा हैं तो भी आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। तो हम इन दोनों फाइल को, ऊपर वाली जो फाइल्स हैं उनको मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये हमारे पास 25 MB की PDF बुक बची है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। और एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये हमने ओपन की, इसको पास करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये बुक किसी भी पेज पे मैं इसको ले जाऊँगा तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये यहाँ पे इंग्लिश में है पूरी की पूरी बुक, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो हम कर देते हैं बैक। ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक ब्राउज़र ओपन करना है, मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है। और क्रोम ब्राउज़र जब आप ओपन कर लोगे तो आपको एक वेबसाइट पर आना है, और वेबसाइट का नाम है ilovepdf.com। ये वेबसाइट का नाम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहाँ पर स्प्लिट पीडीएफ का एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर क्लिक करिए तो स्प्लिट पीडीएफ का जो पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वैसे मैं लिंक जो दूंगा वो डायरेक्ट वो आपको इसी पेज पर ले आएगा, स्प्लिट पीडीएफ फाइल पे, ठीक है, इसी पेज पर ले आएगा। बस यहाँ पर सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक करना है, और आपके पास जो भी पीडीएफ पड़ी है जिसको भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हो बस उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने एक पीडीएफ सिलेक्ट कर ली, इसमें देखिए यहाँ पर जैसे ही हम पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पेज हमें दिखा देता है कि कितने पेज इसमें हैं, 622 यानी 622 पेज करीब इसमें है। अब हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 600 है तो हम क्या करेंगे, 200 या तो ले लेंगे या तो 150 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर देखिए सेटिंग का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ऑप्शंस आ गए हैं, इसके और ऑप्शंस खुल गए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम पेज 1, ठीक है। 1 से लेके यहाँ पर अगर मैं इसको इधर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए 622 पेज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्रॉम पेज 1 to कितने आपको रखने हैं, तो मान लीजिए 150 पेज ही रखते हैं फर्स्ट फाइल में। 150 हमने क्लिक किया और स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये जो 150 पेज हैं वो हमारे डाउनलोड हो जाएगी, 150 पेज की पीडीएफ, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही फाइल यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है तो वो डाउनलोड होने के लिए ऊपर आ जाती है। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है, और ये सिर्फ 4 MB की है, 150 पेज सिर्फ 4 MB में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहला पार्ट इसका ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी पेज पर चले जाएंगे बैक करके। बैक करने के बाद फिर से यहाँ पर सिलेक्ट पीडीएफ फाइल का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से वही वाली फाइल 25 MB की पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रॉम यहाँ पर फिर से पेज आ गया है, तो 150 तक तो पेज हम ले चुके हैं,
अब हम क्या करेंगे, 150 से आगे यानी 150 से ज़्यादा वाले पेज लेंगे। तो यहाँ पर 151 लेते हैं अब, ठीक है, 151 टू यहाँ पर 300 कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है 300 तक के ले लेते हैं और स्प्लिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने स्प्लिट पे क्लिक किया, फिर से यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए आ गया है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा सेकंड पार्ट पीडीएफ का यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए शुरू हो जाएगा जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो बार क्लिक हो गया था, एक बार को हटा देते हैं एक पार्ट को। तो देखिए दो पार्ट इस तरह से हमने 150 पेज के ले लिए। इस तरह से आपको अलग अलग पार्ट डिवाइड कर लेने हैं और 150 200 जितने का भी पेज आपको लेना चाहते हो ले सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होना चाहिए और साथ ही 300 से ज़्यादा पेज की फ़ाइल आप नहीं बनाओगे, ठीक है। तो हमारी PDF को हमने छोटे साइज में कर लिया है, अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसलेट सर्च करेंगे, इस तरह से टाइप करेंगे और इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही ये पेज ट्रांसलेट का ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इस ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में डालना है, तो नीचे की साइड में डेस्कटॉप मोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप मोड में हमारा ब्राउज़र चला जाएगा और ये पेज डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पेज खुला है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो हमारा गूगल ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। ऊपर की साइड में यहाँ पर थोड़ा सा पास करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे की साइड में लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कौन सी भाषा में आपकी ये PDF या जो भी फाइल है वो कौन सी भाषा में है। तो हम यहाँ पर इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर दी है, ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट कर दी है और ये अब पूछ रहा है तो किस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर एरो बना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी लैंग्वेज यहाँ पर आ जाएंगी। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी देखिए मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल्स दी हैं किस किस तरह की आप फाइल यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर PDF का ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, ब्राउज योर कंप्यूटर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जिन फाइल को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहली फाइल थी, इस पर क्लिक करेंगे, 150 पेज की, 150 पेज यहाँ पर लिखे भी हुए हैं और यहाँ पर MB रहती है, कितने MB की फ़ाइल है। अब यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन है, जैसे ही ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारी फ़ाइल जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी है और डाउनलोड के लिए आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही हम 3 डॉट्स पर क्लिक करके डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं तो ये रही हमारी फ़ाइल जो ट्रांसलेट हो चुकी है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे 150 पेज हैं और इसको पास करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल हिंदी में हो चुकी है, ठीक है, ये हिंदी में हो चुकी है और इसी का पहला पार्ट ये हमने इसका स्प्लिट किया था। इसको ओपन करते हैं अगर हम तो देखिए इसको मैं पास करके आपको दिखाता हूँ, ये इंग्लिश में था, ठीक है, और ये हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। ये पूरी की पूरी बुक हमारी हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है 150 पेज की। आगे की प्रोसेस जैसे मैंने पहला यहाँ पर पार्ट ट्रांसलेट किया है वैसे ही आपको आगे के पार्ट यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेने हैं। बहुत ईजिली आपके फ़ाइल पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो जाएगी PDF फाइल। और फिर भी कोई प्रॉब्लम ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।